Assalamu alaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammed Umair from Pakistan First Free of Cost Learning Platform V Tuition से और आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट पेपर सॉल्यूशन शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी जो कि एग्जाम के अंदर जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है, इसलिए इसके क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है वो इनकी प्रिपरेशन को आपने कंटिन्यू रखना है ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आप 100 out of 100 मार्क्स जो है वो अचीव कर सके। क्वेश्चन आज के जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो हैं हमारे पास के रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A and 7 और हमारे पास जो है वो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये भी है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने से एक तो आप जो है वो एग्जाम के अंदर इसका आंसर राइट कर सकते हैं, साथ साथ आपको ये भी मालूम हो जाता है कि प्रायोरिटी टेबल के अंदर हाइड्रोजन जो है वो वन प्लेस पर है कि प्रायोरिटी टेबल जब स्टार्ट होता है तो हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है, बट हाइड्रोजन जो है वो प्रॉपर्टी रखता है कुछ सिमिलरिटीज विद ग्रुप 1 and also कुछ प्रॉपर्टीज वो 7A ग्रुप से भी रखता है और इसी बेस के ऊपर जो है वो उसकी जो है वो आज हम रिजेम्बलेंस को स्टडी करने वाले हैं, साथ साथ हम जो है वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को भी पढ़ते हैं फ्रॉम वाटर गैस, तो आप ये बात भी समझ जाएंगे कि वाटर गैस क्या है और एमसीक्यूज के अंदर अगर आपके पास वाटर गैस के फॉर्मूले के ऊपर एमसीक्यूज बनता है या किसी एग्जाम के अंदर आता है तो आपको उसका फॉर्मूला आता होगा और किस तरह आप जो है वो इसको इंडस्ट्री के अंदर जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, अपनी लैब के अंदर सेपरेट कर सकते हैं, ये सारी की सारी टेक्निक्स आपको जो है वो आ सकती हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है हाइड्रोजन सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन कहलाता है पेपर के अंदर, इसका जो है वो पार्ट्स होते हैं आपने 8 पार्ट्स करने होते हैं जिसमें ये पार्ट नंबर 2 है। गिव द रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A and 7A कि आपने रिजेम्बलेंसेस बतानी है हाइड्रोजन की हाइड्रोजन कैपिटल एच विद एलिमेंट्स ऑफ 1A 7A 1A अल्कली मेटल 7A हैलोजन्स के साथ एंड राइट 4 पॉइंट्स ऑफ ईच ग्रुप और इसके साथ साथ जो है वो आपने ग्रुप के पॉइंट्स भी लिखने हैं पॉइंट्स के फॉर्म के अंदर के क्या प्रॉपर्टीज है इस ग्रुप की। तो हम जो है इसके अंदर जो है वो डी स्टूडेंट्स की रिजेम्बलेंस पढ़ेंगे 1A ग्रुप और उसकी ग्रुप की ही क्या प्रॉपर्टीज है वो हमारे सामने आ जाएंगी, वही इसके मेन पॉइंट्स होंगे ग्रुप के। आंसर आपने इस तरह राइट करना है, सबसे पहले हेडिंग देनी है रिजेम्बलेंस विद ग्रुप 1A कि रिजेम्बलेंस 1A के साथ किस तरह से। तो डी स्टूडेंट 1A अल्कली मेटल्स को कहा जाता है, ग्रुप 1A इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव लॉस इलेक्ट्रॉन इजिली एंड हाइड्रोजन रिजेम्बलेंस विद 1A ग्रुप बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, आपने राइट करना है फॉलोइंग रीजंस को। पॉइंट नंबर 1 रीजन इसकी ये है कि हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, कि हाइड्रोजन के पास भी जो है उसका वैलेंस शेल द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल, इसके अंदर भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है बिकॉज हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1 कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर डी स्टूडेंट क्या होता है 1 होता है, सो 1 प्रोटॉन मीन आपके पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन, सो आपके पास जो है वो ये इसकी 1A ग्रुप के साथ सिमिलरिटी है। सिमिलरली हाइड्रोजन हैज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन S सबशेल, साथ साथ ये भी बताता चलूं कि डी स्टूडेंट इसके सेकंड जो रिजेम्बलेंस है वो ये है कि हाइड्रोजन का भी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी S सबशेल के अंदर लाई करता है, S मीन स्फेरिकल इन नेचर एंड इलेक्ट्रॉन डी स्टूडेंट अनपेयर्ड होता है वो सिंगली होता है और वो स्फेरिकल होता है, सो जिस तरह बाकी जितने भी आपके अल्कली मेटल्स होते हैं आपके पास ग्रुप 1A की जितने भी एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं सबके पास जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस सबशेल के अंदर ही एंटर होता है, तो ये इसका जो है वो मेन पॉइंट आता है। तो डी स्टूडेंट नंबर 3 इसकी रिजेम्बलेंस आती है जो कि ये है कि लाइक अल्कली मेटल्स की तरह जिस तरह आपके पास फर्स्ट A ग्रुप इज कॉल्ड अल्कली मेटल हाइड्रोजन हैज आल्सो लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करता है जब भी जो है वो ये जो है वो रिएक्टिव होता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, H पॉजिटिव बनाता है बिकॉज क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होता है और ये हम रिजेम्बलेंस विद 1A ग्रुप पढ़ रहे हैं, इसलिए डी स्टूडेंट ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो 1A के साथ है, इसलिए यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हाइड्रोजन प्लस 1 बनाता है और प्रॉपर्टीज भी रखता है तो वो और प्रॉपर्टीज आपके पास आगे इसकी रिजेम्बलेंस 7A के साथ आएंगी, तो यहाँ ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है। सिमिलरली लाइक अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन हैज ऑल्सो बॉन्डेड विद हैलोजन, जिस तरह अल्कली मेटल्स आप देखें आपके पास NaCl जो कि हमारे पास टेबल सॉल्ट है
डियर स्टूडेंट हमेशा टू नेम्स होते हैं, एक हमारे पास कॉमन नेम होता है NaCl जो कि हम सॉल्ट है डेली यूज करते हैं, हम टेबल सॉल्ट है, इसको हम कुकिंग में यूज करते हैं टेबल सॉल्ट को, और इसका जो सिस्टमेटिक नेम है जो साइंटिफिक नेम है डियर स्टूडेंट वो सोडियम क्लोराइड है। केमिस्ट जानते हैं सोडियम क्लोराइड को के NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, एंड इन सोडियम क्लोराइड वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय सोडियम एटम Na+1, तो अल्कली मेटल है ये सोडियम, यहाँ पर सॉल्ट के अंदर ये भी वन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एंड प्लस वन की फॉर्मेशन करता है। डी स्टूडेंट इसी तरह से हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन हैज ऑल्सो लॉस वन इलेक्ट्रॉन, एंड हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास जिस तरह ये Na ने क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, सिमिलरली डी स्टूडेंट हाइड्रोजन जो है वो आप देखें तो इसी क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन सकती है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बन सकती है। तो ये इस तरह से डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो फॉर्मेशन करता है। दीज आर दी रिजेम्बलेंस विद वन ए ग्रुप। नाउ डी स्टूडेंट आप सेवन ए ग्रुप के साथ रिजेम्बलेंस स्टडी करें तो रिजेम्बलेंस मीन वो प्रॉपर्टीज जो किसकी सेवन ए के साथ जो है वो मिलती होंगी, सिमिलैरिटीज रखती होंगी, तो इन सिमिलैरिटीज को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले डी स्टूडेंट यहाँ पर बताता चलूं कि हाइड्रोजन रिजेम्बलेंस विद हैलोजन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ये जो रीजन है इनकी बेस के ऊपर ये सेवन ए ग्रुप के साथ रिजेम्बलेंस करता है। The first one property is dead property in which hydrogen has also need one electron to complete valence shell. क्या हाइड्रोजन को भी वन इलेक्ट्रॉन नीडेड होता है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, जिस तरह हैलोजन ग्रुप नंबर सेवन ए से बिलोंग करते हैं एंड उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्टेट को शो करते हैं एंड टू इलेक्ट्रॉन्स भी स्टूडेंट डुप्लेट को शो करते हैं। हैलोजेंस जो हैं वो सेवन ए ग्रुप वाले आप क्लोरीन को देखें तो इसके पास भी वैलेंस शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड जो है उसको वन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बिकॉज क्लोरीन हैज एटॉमिक नंबर डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है एंड वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। सो ऑल्सो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड वन इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन को भी वन इलेक्ट्रॉन ही नीड है बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास भी वैलेंस शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सेवन इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो करता हूं, सो इट ऑल्सो नीड वन इलेक्ट्रॉन लाइक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भी वन इलेक्ट्रॉन की नीडेड होती है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। सेकंड सिमिलरिटी इज डेट लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज ऑल्सो बॉन्ड विद सिमिलर एटम टू फॉर्म होमोजेनस मॉलिक्यूल्स, जिस तरह हैलोजन आपस में भी डिफरेंट एटम से बॉन्ड बनाने के साथ साथ आपस में भी सिमिलरिटीज सेम एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, जैसा कि हमारे पास Cl2 है डायटॉमिक फॉर्म ऑफ क्लोरीन, सिमिलरली Br2 है टू कंप्लीटेड वैलेंस शेल, हाइड्रोजन हैज आल्सो बॉन्डेड विद अदर हाइड्रोजन एटम लाइक H2, तो यहाँ भी हाइड्रोजन जो है वो सिमिलरिटी रखता है विद हैलोजन। द थर्ड सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन इज दैट हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और हाइड्रोजन डी स्टूडेंट नॉन मेटल है एंड हैलोजन ऑल्सो नॉन मेटल है, हैलोजन नॉन मेटल होने की वजह से वन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन ऑल्सो नॉन मेटल होने की वजह से वन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी करेक्टर शो करते हैं और नेगेटिव आयन भी बनाता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसा कि आपके पास जो है वो क्लोरीन वन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी हैलोजन है और इसी तरह फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव माइनस चार्ज कैरी करेगी अगर ये इसके अंदर जो है वो बॉन्ड बनाएगी, जैसा कि NaCl में आपने देखा इसी तरह जो है वो फ्लोरीन भी बनाते हैं। सिमिलरली आपके पास जो है वो हाइड्रोजन भी बनाता है लाइक आपके पास जो है वो आप एग्जांपल में आपको देता हूँ HNA+, तो इस HNA+ के अंदर डी स्टूडेंट आपका हाइड्रोजन माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास नेगेटिव आयन है, ये एग्जांपल है हाइड्रोजन एज अ नेगेटिव आयन की। अगर आपने ये एग्जांपल इससे पहले कभी स्टडी नहीं की तो आज की इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये एग्जांपल देखिए कि हाइड्रोजन नेगेटिव आयन भी बनाता है विद सोडियम पॉजिटिव आयन के साथ। तो डी स्टूडेंट ये थी रिजेम्बलेंस। अब अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह राइट करते हैं तो आपके एग्जामिनर जो है वो आपको फुल मार्क्स देंगे। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पार्ट नंबर 5 है इसी का जो है वो सेक्शन बी का जो कि इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन टू मेथड्स, आपने दो मेथड्स बताने हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस एंड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, और साथ साथ आपने सेपरेशन मेथड भी बनाना है। सबसे पहले प्रिपरेशन कैसी होगी, वाटर गैस कैसे बनेगी, वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको आना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन है आप याद रखें, जब भी आपने जिस चीज की प्रिपरेशन करनी हो आप उसका फॉर्मूला नॉन होना चाहिए, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं नॉन है तो आप उसके लिए रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्शन करा के आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो यहां आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। आंसर आपने डी स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ लिया, इस तरह राइट करना है कि मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, के मेथड सबसे पहले कौन से हैं जिसमें आपने प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज क्योंकि डी स्टूडेंट फर्स्ट आप प्रिपरेशन करेंगे, फिर आफ्टर प्रिपरेशन आप सेपरेशन की तरफ जाएंगे, प्रिपरेशन एंड देन सेपरेशन टेक्निक्स आर यूज्ड। अब यहां डी स्टूडेंट सबसे पहले जो टेक्निक है प्रिपरेशन की वो है बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, कि अगर आप स्टीम इन वाटर इन वेपर स्टेट ऑन कोल, कोल मीन आपके पास जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जब आप इनका रिएक्शन करेंगे, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको बताया था वाटर गैस का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO प्लस H2, तो डी स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपका हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब ये कार्बन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगी एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आपका स्ट्रीम से आएगी और ये वाटर गैस बनेगी। तो ये आपके पास सिंपल जो है वो आपको नॉलेज है अगर, तो आप क्वेश्चन का आंसर राइट कर सकते हैं और कंसेप्ट अपने जो है वो शो कर सकते हैं अपने एग्जामिनर को। यहाँ आपने सेकंड मेथड लिखना है बाय रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, को स्टडी हम करते हैं, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस स्टीम के लिए आपको टेम्परेचर बहुत हाई रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन के लिए, दैट इज कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू प्रोड्यूस वाटर गैस विच इज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर दिस स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी CO इनकम्प्लीट कम्बशन से, सो वाटर गैस इज फॉर्म, तो आपके पास जो है वो वाटर गैस की प्रोडक्शन होगी। अब विच इज द केमिकल रिएक्शन फॉर राइटिंग और केमिकल इक्वेशन, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर ये कार्बन आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं, गैसियस स्टेट में होना चाहिए बिकॉज कंडीशन इज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डी स्टूडेंट आपके पास जो है वो गैसियस एंड वेपर स्टेट ही एग्जिस्ट करती है। वाटर जो है वो ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म स्टीम है, कार्बन किसी भी कंपाउंड ऑर्गेनिक से आपने एक्सट्रैक्ट किया, वाटर आपने जो है वो साथ में रिएक्शन में हिस्सा लिया और आपके पास जो है वो ये आपके पास जो है वो डी स्टूडेंट प्रोडक्ट है जो आपकी वाटर गैस है। तो डी स्टूडेंट इस तरह आपने प्रिपेयर किया। अब डी स्टूडेंट नाउ मेथड फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू ऑब्टेन हाइड्रोजन, के कौन सा मेथड है जिसको आप यूज करके इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं, ये इसका सेकंड पार्ट था कि सेपरेशन मेथड आपने बनाना है। तो मेथड वन हम यूज करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन को अगर हम जो है वो ऑब्टेन करना चाहें, मीन अगर आप यहाँ पर जो वाटर गैस है मिक्सचर है आपके पास, इसमें हाइड्रोजन भी है और आपका CO भी है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां आप इन दोनों को सेपरेट करना चाहें, तो डी स्टूडेंट आप फर्दर अगर स्टीम को वाटर वेपर को इससे पास करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इन दी प्रेजेंस एक्सेस ऑफ वाटर गैस, आपके एक्सेस ऑफ वाटर गैस के प्रेजेंट के अंदर और कंडीशन आप चेंज करके 500 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, यहाँ कैटलिस्ट को भी यूज करते हैं बिकॉज कैटलिस्ट इज डेट आपके पास जो है वो हमारे पास ऐसे जो है वो कंपाउंड होते हैं विद स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन को स्पीड करते हैं। अब स्पीड अप कैसे करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को, बिकॉज क्योंकि ये कोई अदर शॉर्टकट वे बता देते हैं, ऐसा शॉर्टकट रास्ता जिससे जो है वो रिएक्टेंट इजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो कैटलिस्ट जो है वो डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जस्ट जो है वो ये शॉर्ट वे बताते हैं एंड एट द एंड कैटलिस्ट सेम उसी तरह से जो है वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं एट द लास्ट, इनमें कोई चेंज नहीं आता। यहाँ आयरन ऑक्साइड FeO एंड कोबाल्ट ऑक्साइड CO जो है वो यूज किए जाते हैं कैटलिस्ट, कंडीशन ये है डी स्टूडेंट 500 डिग्री सेंटीग्रेड कैटलिस्ट और रिजल्ट ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर CO, जैसे ही CO अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए CO2 के अंदर, तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन इस कार्बन मोनोऑक्साइड से सेपरेट हो जाती है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, तो हमारे पास जो है वो इस तरह आपस में इनकी सेपरेशन हो जाती है और हमारे पास ये प्योर फॉर्म के अंदर ऑब्टेन हो जाती है और हाई प्रेशर लिविंग बिहाइंड फ्री हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रेशर के साथ यहाँ पर जो है वो रिलीज हो जाती है, जिसे हम जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो इसके लिए केमिकल इक्वेशन है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन H को प्यूरिफाई करने के लिए, ये सारा मेथड डी स्टूडेंट अगर आप पूरे मेथड वन को जस्ट आप जो है वो एक सिंगल केमिकल इक्वेशन की फॉर्म के अंदर जो है वो राइट करना चाहिए, ताकि जो है वो जो पर्सन भी जो केमिस्ट हो या एग्जामिनर आपका आंसर जो है वो आपके कॉन्सेप्ट को वन लाइन के अंदर अंडरस्टैंड करना चाहे, तो इसलिए केमिकल रिएक्शन को यूज किया जाता है ताकि टाइम भी जो है वो बचाया जा सके राइटिंग के लिए और जो है वो आपके पास आप अपना कन्वे कर सके आंसर को इन सिस्टमेटिक वे।
तो यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड CO गैसेस फॉर्म प्लस हाइड्रोजन H2, ये हमारे पास वाटर गैस है एंड ऑल्सो वाटर वेपर पास किए जाते हैं यहाँ पर Fe₅₀₀°C। कार्बन मोनोक्साइड इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये आपने मेथड स्टडी किया। नाउ डी स्टूडेंट, सेकंड मेथड कौन सा है? अगर आपके पास क्वेश्चन जैसा कि पूछा गया इसके अंदर आपने टू मेथड बताने हैं, तो मेथड टू आपने लगाना है स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। कि आपके पास जो है वो स्टीम, आपने फर्दर स्टीम मतलब वेपर्स को आपने जो है वो पास करना है एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन, इस प्रोसेस को आपने यूज करना है। मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड स्टीम मीन वही वाटर वेपर एंड नेचुरल गैस मीन आपने कार्बन को कहां से कलेक्ट करना है आपने, ताकि जो है वो सेकंड इस मेथड के अंदर आपने प्रिपरेशन करनी है वाटर गैस की। तो ये मेथड टू है जिसके अंदर आपने प्रिपरेशन करनी है स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस से। ये प्रिपरेशन मेथड है वाटर गैस का और सेपरेशन आप उसी मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर 900°C टेम्परेचर दी और कैटलिस्ट डी स्टूडेंट आपने यहाँ पर जो है वो निकल को यूज किया। निकल जो है वो ये एक महंगी धात है डी स्टूडेंट, क्योंकि निकल जो है वो आपका डी ब्लॉक के अंदर जो है वो मेटल है आपकी, और ये जो है वो एक्सपेंसिव हुआ करती है, केमिकल रिएक्शन को ये शॉर्टकट वे में प्रोसीड कराती है, और इस तरह आपका मिक्सचर प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन कार्बन मोनोक्साइड विच इज कॉल्ड एज वाटर गैस, जिसे हम वाटर गैस कहते हैं। नेचुरल गैस जो है वो डी स्टूडेंट यहाँ 94.60% मीथेन पर होगी, बिकॉज डी स्टूडेंट नेचुरल गैसेस जो है वो हमारे पास मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास मीथेन भी है, इथेन भी है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन है। ये दीज फोर आर गैसेस, आप इससे हायर आप जाते हैं हरकेन्स में तो वो लिक्विड होते हैं, एंड देन और हायर आप जाते हैं तो वो आपका सॉलिड हो जाते हैं। तो इन नेचुरल गैसेस में आपने जो मिक्सचर है उसमें मीथेन आपका 94% है, बाकी रिमेनिंग जो है वो 6% 5 point something वो आपके पास अदर गैसेस है। इस तरह आपके पास वाटर गैस प्रोड्यूस होगी। अगेन आप केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं फॉर स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस के लिए, अपने मेथड को राइट करने के लिए, और डी स्टूडेंट यहाँ आपने C4 मीथेन को राइट किया बिकॉज 94% ये है, और वाटर जो है वो आपके गैसियस फॉर्म में स्टीम को पास किया। निकल एट 900°C पर वाटर गैस इज प्रोड्यूस, तो वाटर गैस आपके प्रोड्यूस होगी। सेम डी स्टूडेंट आप मेथड को यूज करके इसकी सेपरेशन कर सकते हैं और आप यहाँ से हाइड्रोजन एंड कार्बन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड को डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं डी स्टूडेंट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विद रीजनिंग आपको जो है वो समझ में आए होंगे, और आप अपने एग्जाम के अंदर इनको इस तरह राइट करके मार्क्स जो है वो अपने एग्जामिनर से 100 out of 100 मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। डी स्टूडेंट आपने ब्यूटिशियन को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को प्रेस करना है, इसलिए ताकि आप जो है वो अपने एग्जाम के अंदर फुल जो है वो प्रिपेयर्ड होकर एंटर हों, और कोई भी ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन या MCQs वाला पार्ट जो के जो है वो अनसॉल्व रह जाए आपसे और जो आपके मार्क्स जो है वो डिटेक्शन का बायस बने, इससे बचने के लिए जो है वो आपके पास, ताकि हर आने वाले वीडियो लेक्चर जो कि आपके पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आप जो है वो इजिली अवेल कर सकें, इसलिए जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। साथ साथ आप हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन करके अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं जो कि इजिली जो है वो सॉल्व की जा सकती है, और साथ साथ आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो करें, और एजुकेशन को आपने जो है वो प्रमोट करना है, ताकि जो है वो स्टूडेंट जो कि एजुकेशन को जो है वो रेगुलरली जो है वो हासिल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम जो है वो उनके जो है वो एक्सपेक्ट होते हैं बहुत से, और उन तक एजुकेशन जो है वो पहुंचती रहे एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से। तो डी स्टूडेंट आपने जो है वो उनको ये फॉरवर्ड करना है। साथ साथ डी स्टूडेंट जो है वो आप हमें www.vtuition.com पर फ्री साइन अप कर सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।